नेक्स्ट टारगेट है हमारा डू वाइल लूप पढ़ना. ठीक है, डू वाइल लूप कौन सा लूप होता है देखते हैं. चलो मैं ये सारा कोड रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है, जो काम वाइल लूप से हुआ है, फॉर लूप से हुआ है, वो डू वाइल से भी हो सकता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देखो फॉर लूप में क्या होता है, कंडीशन फॉल्स तो लूप नहीं चलता. वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन फॉल्स तो लूप नहीं चलता. डू वाइल लूप में क्या होता है देखते हैं. मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू वन, और मैं यहां अगर वाइल लूप चलाऊं पहले वाइल एक्स इज ग्रेटर देन वन, प्रिंट एफ, अपना नाम ही लिख देता हूं मैं यहां पे. लूप कितनी दफा चलेगा बताओ, गौर से देखो और बताओ लूप कितने टाइम चलना है. ठीक है, कितने लोग कहते हैं लूप चलेगा, हैंड रेस करो. यानी सब कह रहे नहीं चलेगा, क्यों? हाँ बताओ फिर से क्यों नहीं चलेगा लूप. सही है, एग्जैक्टली. देखो शुरुआत में क्या है, एक्स के अंदर वन है और यहाँ कंडीशन चेक हो रही है वन इज ग्रेटर देन वन, तो वन इज ग्रेटर देन वन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स होने की सूरत में उसको लूप में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी बॉडी में, तो लूप चलेगा ही नहीं. तो अगर मैं इसको रन करूँ ना, कुछ नहीं आएगा स्क्रीन पे. क्लियर है ये बात? फॉर लूप के साथ भी कुछ ऐसा ही था. देखो अब इधर मैं सिंटेक्स को मिटा देता हूं, लिखता हूं फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन और एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन, एक्स प्लस प्लस, प्रिंट एफ सलमान. बताओ लूप चलेगा या नहीं चलेगा, कितनी दफा चलेगा? अगर चलेगा तो लूप चलेगा नहीं चलेगा. सही है, रीजन क्या है? देखो x इज इक्वल टू वन पहले ही इनिशियलाइज होगा, आके वो चेक करेगा क्या वन इज ग्रेटर देन वन है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होते ही वो इस बॉडी से बाहर आ जाएगा, वो लूप को चलाएगा ही नहीं. क्लियर है ये बात? देखो मैं फिर से उसको चलाता हूँ F11, क्या आउटपुट दे रहा है? ब्लैंक. लूप एक दफा भी नहीं चला. क्लियर है, पक्की बात है? ठीक है, नेक्स्ट. अब देखो हमारे पास एक लूप है डू वाइल लूप. इसमें क्या हो रहा है, मैंने लिखा डू यस, और डू लिखने के बाद बॉडी बनाई और फिर लिखा वाइल, और वाइल के अंदर कंडीशन लिखी वाइल एक्स इज ग्रेटर देन वन, और यहां मैंने लिखा प्रिंट एफ सलमान. क्या लगता है लूप कितनी दफा चलेगा? कितने लोग कहते हैं नहीं चलेगा? सब कह रहे हैं. गौर से देखो सिंटेक्स को, गौर से देखो कंडीशन कब चेक हो रही है, कंडीशन कब चेक हो रही है? चलेगा पक्का? वेरी गुड. तो देखो डू वाइल लूप में क्या होता है, यही डिफरेंस होता है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट वो एक दफा तो रन करेगा. रीजन इज दैट कि उसकी बॉडी पहले है और कंडीशन बाद में. सही है, तो देखो ऊपर से वो आएगा एग्जीक्यूट करते हुए x इक्वल टू वन, डू के अंदर आके लूप की बॉडी में जाएगा, एक दफा मेरा नाम प्रिंट कर देगा, x में एक डिक्रीमेंट कर देगा, वन की जगह क्या हो चुका है जीरो. क्या जीरो वन से बड़ा है? फॉल्स. तो क्या करेगा ये, नीचे आएगा कंडीशन फॉल्स, दोबारा ऊपर जाएगा ही नहीं. सही है, देखो अब इससे यहां टर्मिनेटर लगाना है क्योंकि स्टेटमेंट है. ठीक है, देखो एक दफा लूप चलाया हालांकि कंडीशन फॉल्स है. क्लियर है ये बात? सही है. अब मैं यहां देखो एक काम करता हूं, अगर मैं इसको x प्लस प्लस कर दूं तो क्या इंपैक्ट आएगा बताओ, लूप कितने टाइम चलेगा? लॉजिकली देखो अगर मैंने इसको x प्लस प्लस कर दिया है तो ये लूप कित. सही है, ओके. देखो जवाब ये आया कि ये लूप स्टॉप नहीं होगा, इनफाइनाइटली चलता जाएगा. बिल्कुल करेक्ट है. हो क्यों रहा है? देखो यहां वो बॉडी में आएगा, x की वैल्यू वन है, प्रिंट किया, x में क्या कर देगा, एक का इंक्रीमेंट कर दिया, एक इजाफा कर दिया, और अब यहां पर आके चेक कर रहा है x का एक प्लस होने का मतलब है टू हो चुका है. क्या टू वन से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, तो वो उसको ऊपर भेजेगा दोबारा, फिर से वो नेम को प्रिंट करेगा और x में एक का इजाफा कर देगा, तीन हो जाएगा. ऐसे तो इंक्रीमेंट हो रहा है, और कंडीशन किस चीज की कि वो वन से छोटा है, वो वन से कभी छोटा होगा ही नहीं, इंक्रीमेंट भी होगा. तो फिर कहोगे सर चला के दिखा दें जरा, तो ये देखो क्यों नहीं चलेगा, चलेगा और चलता जाएगा इनफाइनाइटली. सही है, इस तरह से.
अब पूछोगे कब तक चलेगा, भाई जब तक रैम में जगह है तब तक चलेगा। सही है, उसके बाद खुद से बंद हो जाएगा एंड टास्क। ओके, तो इस चीज को हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है, तो वो अपने घर से निकल के ग्राउंड गए और ग्राउंड से दोबारा अपने घर आ गए, चक्कर मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो, तो वो क्या है, इनफाइनाइट लूप चल रहा है। जिसको कहते हो ना भूल भुलैया है, गुम हो गए, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, ये इनफाइनाइट लूप होता है। सही है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है ये सिर्फ डू व्हाइल लूप में हो, ये व्हाइल लूप के अंदर भी होगा और फॉर लूप के अंदर भी होगा। करके दिखाऊं इस चीज को, ठीक है? डू व्हाइल समझ में आ गया सबको? खैर, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी।